नमस्कार दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, जिनके केस में लगातार नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनमें काफी नई चीजें निकल कर सामने आ रही है, उन चीजों ने काफी उलझन पैदा कर दी है। कई ऐसे नए इक्वेशंस जुड़ते जा रहे हैं जिसका पहले अंदाजा नहीं था। सुशांत सिंह की डायरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए मिले थे, और अब रिया चक्रवर्ती की एक डायरी निकल कर सामने आई है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कोशिश है केस को किस नए मोड़ पर ले जाने की, और रिया के अलावा दिशा की भी बात हो रही है, उनकी मां का बयान आया है। साथ ही सुशांत के जो पिता हैं, उन्होंने रिया पर एक बहुत ही लॉजिकल आरोप लगाते हुए एक बड़ी बात कही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं जानकार से। जी हाँ बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो नया नया टर्न जो है वो लेती जा रही हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से हो या फिर दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी उनकी माँ की तरफ से हो। अब आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या कुछ है मकसद और क्या बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन सब चीजों के बारे में आकाश में आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी आई थी, उस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और माना यह जा रहा था कि शायद वो पन्ने ही अहम सुराग हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। और लगातार सीबीआई समेत कई लोग इस डायरी के वो फटे हुए पन्ने जो हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ नए पन्ने जो कि रिया चक्रवर्ती के डायरी के हैं वो सामने आए हैं। और ये पन्ने रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि अपने वकील के कहने पर उन्होंने अपने वकील के थ्रू ही जारी किए हैं, और इन पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती की जबरदस्त तरीके से तारीफ करते हुए बताए जाते हैं, ऐसा दावा रिया चक्रवर्ती खुद करती हैं। साथ ही रिया चक्रवर्ती का दावा है कि डायरी में जो लिखा गया है वो लिखावट सुशांत सिंह राजपूत की ही है। डायरी में आकाश क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो अपनी जिंदगी के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही इस मैसेज में ये भी दावा किया गया है, लिखा हुआ है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर लीलू इन माई लाइफ, लीलू यानी कि शोभिक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती का भाई। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है रिया को वो बेबू कहकर संबोधित कर रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर बेबू इन माई लाइफ। इसके अलावा उसमें ये भी लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर सर इन माई लाइफ, यानी कि जो रिया चक्रवर्ती के जो पिताजी हैं उनको यहाँ पर सर बोला गया है, ये भी रिया के मुताबिक ही। और साथ ही इसमें मैम की बात की गई, यानी रिया की माँ की भी वो तारीफ करते हैं, और फज की भी बात करते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू हैव फज इन माई लाइफ। फज सुशांत सिंह राजपूत के पेट का नाम है, उनके कुत्ते का नाम है। तो इस तरीके से वो कई सारी बातों को इस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लेखनी में अपने हैंड राइटिंग में ये चीज़ें लिखी हैं, ऐसा जो रिया चक्रवर्ती हैं वो दावा करती हैं अपने वकील के जरिए। अब इस डायरी के जरिए रिया चक्रवर्ती की कोशिश ये है कि ये बताया जा सके, या फिर उनके वकील की कोशिश ये है कि ये बताया जा सके कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से रिया के जो रिलेशन थे वो कितने कॉर्डियल थे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की हैंडराइटिंग का वो दावा तो ज़रूर करती हैं, इसकी सच्चाई क्या है वो तो आगे जाँच में एक्सपर्ट्स पता लगा ही लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है दिशा सालियान की जो माँ है उनका भी बयान आया है, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और सिलसिलेवार तरीके से कई सारी बातें कही हैं, और उस बयान को सुनने के बाद जो है ये पूरी पिक्चर जो है आपको समझ में आएगा कि आखिर इस केस को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं मुंबई पुलिस या फिर रिया चक्रवर्ती के जो वकील या जो महाराष्ट्र का जो खेमा है वो किस डायरेक्शन में इसको लेकर जाना चाहता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है बहुत जरूरी है, उन्होंने हाल ही में ये कहा है जब रिया चक्रवर्ती ने खुद ही अमित शाह जी को लेटर लेकर ये अपील की थी कि उन्हें सीबीआई जांच करवानी है, तो अब सीबीआई जांच से वो परहेज क्यों कर रही हैं, वो चाहती थी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन दिशा सालियान की मां ने जो बयान दिया है उसमें कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। उनका नाम आकाश जो है बसंती सालियान है, और बसंती सालियान ने जब उनसे सवाल किया गया प्रेगनेंसी और रेप को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये सब गलत है, इस मामले में दो बार बयान लिए गए हैं, मालवानी पुलिस स्टेशन का आकाश उन्होंने जिक्र किया, ये वो स्टेशन है आकाश जहां पर दिशा सालियान के केस की जो जांच है वो की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके पास जो है सारे रिकॉर्ड के जो दस्तावेज हैं वो सब इनके पास अवेलेबल हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, मुंबई पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, यानी वो बता रही है मुंबई पुलिस की से वो संतुष्ट हैं, मतलब मुंबई पुलिस को यहाँ पर क्लीन चिट देने की बात एक तरीके से उन्होंने करी है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उनकी वो ठीक दिशा में काम कर रही मुंबई पुलिस, इसलिए हम मुंबई पुलिस पर भरोसा करते हैं, हम पहले शांत थे लेकिन अब मीडिया में हमारी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बात जो है वो बसंती सालियान कहती हैं आकाश। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं बहुत तेजी से चल रही हैं कि उनका रेप हुआ था और उन्हें प्रेग्नेंट जो बताया गया सोशल मीडिया पर, वो उनकी फैमिली जो है इस बात को खारिज करती है। साथ ही आकर उनसे एक सवाल और पूछा गया कि जो दिशा की मौत हुई है उसके उस रात पार्टी हुई थी, उस पार्टी का सच आखिर क्या है। तो यहाँ पर बसंती सालियान जो है वो ये कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान दिशा जो है उनके साथ ही रही,
पार्टी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी वाली रात का बहुत सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर आकाश बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 26 मई को दिशा का बर्थडे आता है और उनके एक दोस्त हैं इंद्रजी जो कि भाई के जैसे हैं, उनका बर्थडे आता है 25 मई को और ये दोनों ही यानी कि ये आगे पीछे बर्थडे आता है, इसलिए दोनों ही मिलकर एक ही रात को सेलिब्रेट करते हैं और वो जो दोस्त है वो भाई के जैसा है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से ये लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसलिए उनकी जो मौत हुई दिशा सालन की उससे एक रात पहले एक पार्टी की गई, पार्टी भी नहीं की गई, एक तरीके का छोटा सा गेट टुगेदर था जिसमें 6 दोस्त आए थे। ये बात जो है ये दिशा सालियान की माँ मानती हैं। साथ ही उनसे आकाश ये भी सवाल किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के जो रिश्ते थे वो कैसे थे, तो उस पर उनकी जो माँ है वो साफ तौर पर कहती है कि दिशा हमेशा अपने काम से जुड़ी डिटेल्स जो है वो उनसे शेयर करती थी, किसके साथ वो काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, वो सब कुछ वो अपनी माँ को बताती थी। और उनकी माँ का ये कहना है अब कि मैंने कभी भी सुशांत के बारे में नहीं सुना, इस सबसे पहले मैं सुशांत को ज्यादा जानती भी नहीं थी। तो ये माँ का स्टेटमेंट है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से अपने पेजेस लीक किए हैं या रिलीज किए हैं, या माँ जिस तरीके से मुंबई पुलिस को क्लीन चिट देते हुए केस को रफा दफा करने की बात कर रही हैं, बेटी को बदनाम करने की बात कर रही हैं, सब चीज़ों का जोड़कर देखा जाए आकाश, तो स्थिति यही लगती है कि कोशिश हो सकता है कि दिशा सालियान की जो माँ है उन पर किस तरीके का कोई दबाव हो मुंबई पुलिस की तरफ से कि आप इस चीज़ को इस तरीके से पोस्टर करें या इस तरीके से पब्लिक डोमेन में बताएं कि सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही कोशिश जो है वो रिया चक्रवर्ती के मैसेज को भी देखकर लग रहा है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इतना ही नहीं आकाश, एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो भी सामने आया है, वो भी सर्कुलेट हो रहा था कथित तौर पर के दावे किए गए हैं, उसमें अलग दावे किए गए आकाश। उसमें यह दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो बहन है उनके बीच में विवाद था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की अपने ही परिवार से नहीं बनती थी। और इन पेजेस से यह बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो रिया के परिवार के करीबी थे। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर एक शख्स ने सुसाइड क्यों किया, ये एक बड़ी बात है। कई सारे सवाल जो है अभी भी खड़े हुए हैं कि अगर दिशा सालियान का मर्डर नहीं हुआ या फिर उन्होंने सुसाइड किया तो वो पोस्टमार्टम होने में 3 दिन का वक्त आखिर क्यों लगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो ये कई सारे बड़े सवाल हैं और इसीलिए शायद ये पेचीदगी को समझते हुए जो सारी जांच है अब वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है और उम्मीद है कि जल्दी कई सारी चीज़ें जो है अब निकल कर आना भी शुरू होंगी जैसे जैसे सीबीआई की जाँच जो है वो आगे बढ़ेगी। जी आकाश जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कोशिश है ये बताने की कि जो रिया ने पेजेस दिए हैं उन पर आप यकीन करें, उनके दावों पर आप भरोसा करें। उधर दिशा की मां ने ये कहा है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने उनकी बेटी की मामले की जांच की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उन्हें उन पर भरोसा है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये कहते हैं कि जब रिया ने पहले सीबीआई जांच की मांग की थी तो अब सीबीआई से उसे क्या परहेज हो रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि रिया और डीसीपी बांद्रा जो थे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जहां वो कई बार रिया को कॉल करते थे, दोनों एक दूसरे से 15-18, 28-30 सेकंड तक बात करते थे। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस रिया को लगातार खोजती रही और आखिर तक रिहा नहीं मिली। वो मुंबई पुलिस के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में थी जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। तो अगर हम इन सारी चीजों को जोड़कर देखें तो आपको क्या लगता है, क्या कोशिश है साबित करने की, क्योंकि आखिरी मकसद तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाना ही है। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीएचएफ एफ अड्डा को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।